एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का स्नो प्लो सिमुलेटर के एक और नए मजेदार शानदार खतरनाक आतंक चिंगारी मौत कद्दू एपिसोड के अंदर। लास्ट वाला एपिसोड अगर तुमने नहीं देखा तो मैं तुम्हें बता दूं, हमारी जो शुरुआत हुई थी वो एक छोटी सी लकड़ी से हुई थी। मतलब सारे काम हमें इसी लकड़ी से करना था, जितने भी यहाँ पर स्नो पड़ी अपने को सिर्फ और सिर्फ ये लकड़ी से उठाना था। बट धीरे धीरे करके हमने सारी की सारी चीजें परचेस कर ली थी, जैसे ये स्नो शवल, वाटर गन, पुश प्लो और फिर ये फ्लेम थ्रोवर, स्नो बॉलर, मैजिक वंड, ये पूरा का पूरा हमने अनलॉक कर लिया। और सिर्फ हम यहां पर ही नहीं रुके थे, व्हीकल्स के भी अंदर हमने ऑलमोस्ट सारी ही चीजें अनलॉक कर ली थी। जो ये एंड वाला यूएफओ है ये भी मैंने अनलॉक कर लिया था। बट इस गेम के अंदर ना अभी तक हमने एक चीज नहीं की है, वो है रिबर्थ। क्योंकि रिबर्थ करने के लिए अपने को 500 मिलियन स्नो की जरूरत पड़ रही थी, अभी हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ 18 लाख है। और पेट्स की अगर बात करेंगे तो हमारे पास में इतने सारे पेट्स है, अभी ज्यादा कुछ खास बढ़िया नहीं है। मैंने 3 से 4 वर्ल्ड भी अनलॉक किया हूं। मेरे को एक चीज ये चेक करनी कि मैं रिबर्थ कहां से करूंगा, क्योंकि रिबर्थ करना ना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। शायद से यस यहां से हम रिबर्थ करेंगे, बट रिबर्थ के लिए 500 मिलियन स्नो लगेगी। बट रिबर्थ करने के बाद में पता नहीं मेरे को क्या क्या चीजें मिलेगी। रिबर्थ करने से पहले ही हम इतने ज्यादा खतरनाक अपग्रेड हो गए थे, तो एक काम करता हूं मैं, सबसे पहले ना अपने यूएफओ को हम स्पॉन करते हैं। चलो भाई यूएफओ आ गया, इसके अंदर बैठते हैं और जाकर सबकी ऐसी की तैसी करते हैं। सबकी ऐसी की तैसी नहीं, हाइट तो मैंने अभी अपने यूएफओ की बढ़ा दिया, देख रहे हो कितनी ज्यादा स्नो आ रही है। बट ये कुछ नहीं है, यहां से जैसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे अपने पास में दबा के स्नो आना स्टार्ट हो जाएगी। मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूं। यस अब देखना, पहले 200-250 आ रही थी, अब 550, और जैसे जैसे हम वर्ल्ड क्रॉस करते जाएंगे अपने स्नो का जो कलेक्शन है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। बट 500 मिलियन करने के लिए ना अपने को बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। चलते हैं यहां से सीधा आगे वाले वर्ल्ड में, देखते हैं 3-4 वर्ल्ड हम और अनलॉक कर लेंगे। अब देख रहे हो 2.2K 1.1K ऐसे अपने को स्नो मिल रहा है। काम करता हूं मैं, थोड़ा सा जिगजैग चलता हूं ताकि ज्यादा से ज्यादा स्नो अपने पास में एक टाइम के अंदर आ जाए। अभी 22 लाख तो हमारे पास में हो गए, बट 500 मिलियन करने के लिए ना अपने को बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। एक काम कर दो, ये कॉर्नर से चलता हूं, क्योंकि अगर 500 मिलियन स्नो कलेक्ट नहीं हुआ तो हम वापस आएंगे तो बीच का और ये राइट का रास्ता अपने को मिल जाएगा। अभी भी 1500 आ रहा है, रुक जाओ और आगे चलकर चेक करते। नहीं, अब 2700 स्नो आने लग गई है। बट आगे जाने के लिए अपने को वर्ल्ड अनलॉक करना पड़ेगा, और वर्ल्ड अनलॉक करने के लिए अपने को 10 मिलियन स्नो रिक्वायर्ड है। आई गेस ये भी वर्ल्ड मैंने अनलॉक नहीं किया था, 10 मिलियन स्नो चाहिए ना, आप भी ठीक करके देते हो। अभी अपने को स्नो कितनी मिल रही है, मैं सोच रहा हूँ यार एक ट्रक ले लूँ, क्योंकि यूएफओ से स्नो तो आ रहा है बट पूरी तरीके से स्नो नहीं आ रहा। एक काम करता हूँ मैं, इसमें से उतरते हम और मैं ना एक छोटा मोटा एक काम करता हूँ, ये वाला ट्रक खरीद लूँ क्या, जो कि आ रहा है 3 मिलियन का। स्पॉन हो जा भाई, बट स्पॉन हुआ कहाँ पर, दिख तो नहीं रहा। अच्छा अब होगा, स्पॉन हो गया है या फिर नहीं हुआ है, कहाँ चला गया, या फिर वो परचेज ही नहीं हुआ क्योंकि हमारे पास में पैसे नहीं थे। नहीं यार पैसे तो है मेरे पास में, बट ये दिखाई क्यों, अब हुआ ना स्पॉन भाई प्रॉपर तरीके से, पहले हो ही नहीं रहा था। इसके ऊपर बैठ कर ना मैं एक टाइम में बहुत सारी जगह से स्नो, मतलब ये जो बीच का एरिया छूट जा रहा है ना, ये छूटेगा नहीं। बट इसके अंदर सिर्फ 200 स्नो आ रही है अपने पास, ऐसे क्यों यार, ये तो टन भी नहीं हो रहा, इसी के अंदर हम फंस गए। हेल्यू इसको पलटाऊ कैसा, रुक जाओ इसको ना ऐसे मुंह करके स्पॉन करता हूँ, शायद से हो सकता है। अब इसको नहीं आ रही है तो उधर ही मुंह करके स्पॉन हुआ। एक काम करता हूँ इसको ना स्ट्रेट में, ये तो रिवर्स भी नहीं आ रहा है, ये तो सीधा ही खड़ा हुआ, छोड़ दे ये कुछ काम का नहीं है, चुपचाप से यूएफओ निकाल लेते हैं अपना। वैसे 1,25,000 की ये भी मशीन आ रही है, एक बार स्पॉन करके चेक कर लेते हैं। इसके ऊपर मेरे को नहीं लगता टन की दिक्कत आएगी, या फिर आएगी पता नहीं, ये हो ही नहीं रहा टन, पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है इसको यार। 138 स्नो आ रहा है इसके अंदर, ज़्यादा स्नो नहीं आ रहा। बट इसमें फ़ायदा ये होगा कि स्नो एक भी नहीं छूटेगी अपनी, जितनी भी ये रास्ते में पड़ी हुई देख रहे हो पीछे साइड से, पूरी की पूरी स्नो ना मैं एक ही टाइम में कलेक्ट कर रहा हूँ। नंबर देखना यहाँ पर कैसे बढ़ रहे हैं भाई। बट यूएफओ से यार ज्यादा स्नो आ रही थी, इससे अंदर कुछ भी स्नो नहीं आ रही है, बहुत कम स्नो आ रही है, 150-100 ऐसे आ रही है। बट पूरे रास्ते की स्नो एक टाइम में हम समेट ले रहे, तो चलो ठीक है, बट ये कुछ काम का नहीं है। यूएफओ जो था अपना वही काफी ज्यादा सही है यार। 500 मिलियन में कर भी पाऊंगा कि नहीं क्या पता, मेरे को तो आइडिया नहीं है। ये इतनी सी चीज को इतना ज्यादा टाइम लग रहा है, पूरा रोटेट कर, पूरा रोटेट कर, एक जगह की भी स्नो मत छोड़, ना 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 ये सब कुछ काम का नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। कहाँ जा रहा है देखो, खुद ब खुद चलता जा रहा है वो ना, अपना यूएफओ जो है यही स्पॉन हो जाओ, इसी के ऊपर बैठकर घूमेंगे वो ज्यादा बेटर रहेगा। बिठा ले भाई अपने आप पर, ऐसे ही बस उड़ता रहे और भर भर के ना स्नो कलेक्ट करता रहे। देखो 1,000 आ रही है यार, 500 करने के लिए ना सच बता रहा हूँ बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। बट रिबर्थ करने के बाद में अपने को उतनी सारी चीजें अगर मिलेगी तो हमारा फायदा, अगर ना हुई तो फिर
कुछ फायदे का नहीं रहेगा वो, इतनी मेहनत करके रिबत करने के बाद में और न्यू चीजें अनलॉक होगी तो अच्छी बात है। 2,000-3,000 करके तो बढ़ रहे यार, 500 करने के लिए, 500 मिलियन के लिए मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, सच बता रहा हूँ मैं। अभी तो 4 मिलियन नहीं हुए बराबर से, 4 मिलियन ही होने के लिए अभी कितना ज़माने लग जाएंगे। मेरे को ढंग के पैट चाहिए और पैट मेरे को अनलॉक करने पड़ेंगे। रुक जाओ थोड़े से पैट का भी जुगाड़ करते हैं। यहाँ पर तो 1,000 आ रही है भाई, सुनो, वेरी नाइस, आते जाओ। 35 लाख तो हो गए, 4 मिलियन करने के लिए इतनी ज़्यादा देर लग रही है, 500 मिलियन करने के लिए पता नहीं कितने घंटे लगेंगे अपने को, बट करना तो है, अब कुछ नहीं कर सकते, जितनी भी देर लगे 500 मिलियन तो अपने को करना ही है। अब चलो पलट जाते हैं यहाँ से, और आगे तो हम जा नहीं सकते। ये मिडिल वाले वर्ल्ड के अंदर जाकर ना मैं एक बार चेक करता हूँ कि वहाँ पर हम और अच्छे वाले पैट्स अनलॉक कर पाते हैं, ये नहीं मतलब अच्छे वाले अगर पैट मिल गए तो बढ़िया है, अगर ना मिले तो कोई बात नहीं, 4 पैट तो ऐसे ही लेकर घूम रहे हैं अभी हम। क्या यहाँ पर कुछ बढ़िया वाले पैट्स है क्या? बट मैंने यहाँ के सारे पैट्स निकाल लिए, तो 6 मिलियन, 3 मिलियन वाला पैट चेक करते एक बार। रुक जाओ, कुछ अगर मिल जाए तो इसके अंदर गोल्डन स्वॉर्म फ्रॉग मिला है जो कि है रेयर। अरे मेरी पूरे के पूरे पैसे इसके अंदर चले गए भाई, कोई बात नहीं। इक्विप बेस्ट, इसकी पावर सीधा है 24, वेरी नाइस। ठीक है फिर, पहले पैट से हम मजबूत होते हैं, उसके बाद में फिर किसी और चीज का फैसला होगा। डिस्पॉन हो गया ये, अब ना मैं सीधा 6 मिलियन करता हूँ और 6 मिलियन के बाद में आता हूँ। अभी तो देखो हर एक उसके अंदर अपने को 2,000 आ रहे हैं, चलना आगे बढ़ना, क्यों नहीं बढ़ रहा। अब तो भाई 5,000-2,000 ऐसे आ रहे हैं, अपने को 3-4 पैट और लगेंगे बट 500 मिलियन हो जाएगा, मैं गारंटी बता रहा हूँ। अपने को सिर्फ 3-4 पैट और लगेंगे, अब तो 6 मिलियन वाले पैट अनलॉक करता हूँ सीधा, टेंशन ही नहीं, 6 मिलियन वाले से बहुत ज़्यादा। फिर तो अभी देख रहे हो 7,000 आ रहे यार एक बारी में, पहले सिर्फ 1,500 से 2,000 या फिर मैक्स टू मैक्स 2,700 आ रहे थे, बट अभी स्नो इस गेम के अंदर ना, स्नो मतलब पैसा है, इसे स्नो समझ लो पैसा समझ लो, दोनों एक ही चीज़ है। देखो अब अपने को 3 मिलियन करने के लिए कुछ भी टाइम नहीं लगा, तुरंत 3 मिलियन हो गया। अब उधर जाने से पहले ना एक काम कर दो, इधर से घूमते जाते ज़रा सा, बटोरते एनर्जी, क्योंकि पुराने वाले वर्ल्ड के अंदर ना कुछ ऐसे खास है नहीं, वहाँ पर इतने ज़्यादा अपने को पैसे नहीं मिलते, इसीलिए इधर से चलते हैं। हम ना 6 मिलियन करेंगे उसके बाद में और एहगेज करेंगे, टोटल अपने को 18 मिलियन लगेंगे 3 पैट्स 6-6 मिलियन के खोलने के लिए, बट 18 मिलियन करने के लिए कितनी ज़्यादा देर हो जाएगी, 5.5 मिलियन तो हो गए। चलो इतना राउंड घूम के घर जाने तक आई गेस 6 मिलियन हो गया तो बढ़िया है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। यस 6 मिलियन हो गया, पूरा घूमने की भी जरूरत नहीं पड़ी। चलो 6 मिलियन वाला अंडा खोलेंगे, इसकी तो ऐसी की तैसी, कितनी ज़्यादा दूर है देख रहे हो। वो हो गए भाई, हो गए 7,14,000 हो गए, सीधा 6.3 मिलियन का अंडा खोलेंगे, इसकी तो ऐसी की तैसी, देखते हैं इसके अंदर कुछ बढ़िया मिल जाए तो। चॉकलेट बियर मिली है, मतलब वो चॉकलेट वाले भालू की पावर कितनी है, 21 है। बाकी ये मैं जब से यूज कर रहा था ना, ये 11 और ये 2.5 इतनी पावर थी यार। ये सच बोल रहा है अपने को रीबर्थ करने के लिए 500 मिलियन लगने वाले, ये कुछ बात ही नहीं, 500 मिलियन करने में तो हर किसी की बैंड बच जाएगी। यहाँ पर सारे बंदों ने रीबर्थ की है, मैंने कब किया रिबर्थ? अच्छा स्टार्टिंग में एक बार किया हूँ, बाकी का तो कुछ रिबर्थ नहीं किया। कोई बात नहीं, चलो होता रहता है जिंदगी, ये सारी चीज़ें चलते रहती है। इसको कर दूंगा लाल कलर, होगा या फिर नहीं होगा, या फिर होगा लाल कलर होके स्पॉन होगा तो ज्यादा बढ़िया है, बट ना हो रहा इसका लाल कलर। अब एक बार नजर घुमाते, अरे 13,000 आ रहे एक बारी में, 13,000, 7,000, 6,000, अरे आगे बढ़ना, तू अलग ग्लिच हो जा रहा है बार बार। अब हो रहा है, अरे चल ले भाई आगे आगे बढ़ ले, बढ़ ही नहीं रहा आगे, व्हाट। चलो भाई अब हुआ, पता नहीं उसको क्या हो गया था, 8,000 आ रहे हैं, 4,500, 8,500, कुछ जगह 13,000, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस, बेस्ट डिसीजन था। और जाकर और 6-6 मिलियन के पैट खोलेंगे अब हम। अब एक काम करता हूँ, डायरेक्ट 12 मिलियन करते हैं या फिर 18 मिलियन कर लूँ, चारों ही पैट हो जाएंगे। नहीं पहले 12 मिलियन करते हैं, उसके बाद में फिर हम जाकर 2 एग हैच एक साथ करेंगे। Hours later. All right, तो मैंने 12 मिलियन की जगह सीधा 18 मिलियन कर लियो, क्योंकि अपने को सारे पैट्स का नीड होगा। अभी हमने कुछ देर पहले 3-3.5 मिलियन वाला पैट अनलॉक किया था, ये क्या जा रहा है, सेंटा क्लॉस गया अभी जस्ट हमारे यूएफओ के नीचे से। 19 मिलियन हो गया, 19 मिलियन सफिशिएंट, चलो ठीक है। थोड़ा सा गोली बन, मैं जाते जाते और कलेक्ट कर लेता हूँ ना भाई, बहुत ज़्यादा स्पीड से अपग्रेड हो रहे हैं अब तो, और काफ़ी ज़्यादा स्पीड से अपग्रेड हो गया। अभी तो एक टाइम में
कम से कम अपने को 4400 आ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा 11-12 हजार कुछ आ रहे हैं, या कभी 8000 आ रहे हैं। बट अब जैसे ही अपने पास में कुछ तगड़े वाले पैट्स आ जाएंगे, उसके बाद देख रहे 20 मिलियन तो हो गए। वेरी नाइस, कुछ बढ़िया मिल जाए यार। चॉकलेट डॉग मिला, चलो ठीक है कोई बात नहीं, और चेक करते और कुछ मिल जाएगा। प्लीज प्लीज दे दे, एक और चॉकलेट डॉग आ गया, ठीक है और कुछ दे दे भाई। 3-4 पैट मिल गए ना। ट्रेड करने की भी इसके अंदर कुछ सुविधा नहीं है, वरना किसी से ट्रेड हम करके ना कुछ जुगाड़ कर लेते। चलो 3 के 3 हमने वो कर लिए, वेरी नाइस। 17 लाख रुपए स्टिल हमारे पास में पड़े हुए हैं। यहाँ पर अपने को अपने सब्सक्राइबर मिल गए, नेट भाई, अलादीन भाई, नेट भाई प्लीज रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लो, 1 सेकंड देना। ये रही गणेश तुम्हारी रिक्वेस्ट, ए लो एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। बट तुम्हारा नाम आकाश है, वहाँ गणेश लिख के आ रहा था, चलो डन कर दिया मैंने, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया। अब थोड़े से तगड़े वाले पूरे चारों के चारों पैट लगा लेते हैं। इसकी 24 पावर, इसकी 21 पावर, इसकी 19 पावर, इसकी 18 पावर, वेरी वेरी वारी 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 नाइस। अब मजा आएगा ना वीडू स्नो कलेक्ट करने में, तुम देखना खाली। अब तुम खाली नजर घुमाओ, अब कैसे गोली के जैसे हम अपग्रेड होते हैं। अब कितनी बारी आ रे 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 भाई साहब, कितनी ज्यादा स्नो आ रही यार। ये वर्ल्ड में जा क्यों नहीं पा रहा हूं मैं, पता नहीं बार बार क्या ग्लिच हो जा रहा है। वहां जाने के लिए बंदा अटक जा रहा है, देखो यहाँ पर आ रहे हैं हम और इधर पता नहीं क्या हो रहा है, ये ऐसी खड़े रहता हूँ। अब जा पा रहा हूँ, हाँ चलो अब जा पा रहा हूँ, पता नहीं कुछ तो हो गया था। कितना आ रहा है, 6500 आ रहा है, 12700 आ रहा है, वेरी नाइस वेरी नाइस। मैं जाकर ना जरा 10 मिलियन का कुछ कर लेता हूँ, क्योंकि अगले वाले वर्ल्ड में जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। इधर थोड़ी सी कम पावर की स्नो मिल रही है, आगे हो सकता है और कुछ तगड़ा मिल जाए। बट आगे अपने को और तगड़े वाले पैड्स भी तो मिलेंगे, वो भी तो हम अनलॉक कर सकते हैं। रुक जाओ, पहले ना थोड़ा सा वर्ल्ड अनलॉक कर लेता हूँ। 10 मिलियन चाहिए अपने को यार, कितनी ज़्यादा स्नो आ रही है अपने पास में, भर भर के भरपूर स्नो आ रही है, 15-15 हजार आ रही है कभी तो, वेरी नाइस। चलो हो गए भाई, 10 मिलियन की जगह 12 मिलियन हो गए। सीधा नए वर्ल्ड के अंदर घुसते हैं, वहां पर तोड़न ताड़ करते हैं, वहां से भर भर के स्नो बटोरते हैं। यहाँ पर पता नहीं कितने के पैट्स आएंगे, स्टिल चेक कर लेंगे। वहां तो सबसे बड़ा पैट था 6.5 मिलियन का, 6.3 मिलियन आएगा। इधर कितने का पैट है जरा देखने तो मेरे को, 12 मिलियन का एक पैट है, 25 मिलियन का है, यहाँ पर 100 मिलियन और 50 मिलियन। ओके ओके, रैम्बो पैट्स अगर करूँगा तो डायमंड्स लगेंगे, डायमंड्स मेरे पास में। यू विल बी परमानेंटली लूज ऑल सिलेक्टेड पैट्स, नो नहीं करना मेरे को, किसी को भी लूज नहीं करना। 12 मिलियन का कुछ मिल रहा है, एक बार चेक कर लेते ना, 12 मिलियन का कुछ अच्छा पैट मिल गया तो ठीक है। गोल्डन पांडा, ओके गोल्डन पांडे की पावर कितनी है, 26, 24, 21, 19, अरे वाह। मगर अपना मेरे को ऐसे लग रहा है कि शायद से मैं रिबर्थ नहीं कर पाऊंगा भाई, 500 मिलियन करने के लिए कितनी ज्यादा देर लग रही है। बट इधर देख रहे हो 10,000, अरे हो जाएगी आधा एक घंटा अगर मैं स्नो बटोर लिया ना तो 500 मिलियन अपने पास में हो जाएगा, बहुत सही काम हो जाएगा। क्या करूँ, 500 मिलियन कर लूँ क्या, जिस हिसाब से हमारे पास में स्नो आ रही है, 21-21 हजार करके, 10-10 हजार करके, काफी ज्यादा सही है वो। और यहाँ पर अपने को गोल गोल ही घूमना है, ज्यादा यहाँ वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, हम बस गोल घूमते रहेंगे, अपने को स्नो मिलते रहेगी। 5-7 मिलियन तो मैंने, 6 मिलियन तो ऐसी एक चक्कर लगाने में मैंने कर लिए। क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए, कर लूँ 500 मिलियन करके रिबर्थ कर लूँ, बहुत मजा आ जाएगा। अभी तक किसने भी सर्वर के अंदर 2 बार रिबर्थ नहीं किया, सबने एक ही बार किया। मैं अगर कर लूंगा ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा यार। क्रॉस चेक करने दो मेरे को, नहीं हो रहा, चलो ठीक है 500 मिलियन का ही नीड होगा। और इधर जाने के लिए कितनी, 250 मिलियन स्नो चाहिए, शर्म आ रही बोलने के लिए है 250 मिलियन स्नो के लिए। चलो ठीक है, काम करते हैं, अब ना मैं तुम्हें 500 मिलियन स्नो करने के बाद में मिलता हूँ, ठीक है। पता नहीं कितनी ज्यादा देर लगेगी, आधा घंटा, एक घंटा, डेढ़ घंटा, बट 500 मिलियन अब मैं स्नो करूंगा, हम रिबर्थ करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। Early the next morning. All right, तो अभी पूरा का पूरा आधा घंटा हो गया है स्नो बटोरते बटोरते, बट स्टिल अभी सिर्फ और सिर्फ 100 मिलियन स्नो अपने पास में आई है। अभी 400 मिलियन और बाकी है रिबर्थ करने के लिए। मेरी तो पूरी बैंड बज गई, काफी ज्यादा स्लो स्पीड से, मतलब हमारे पास में तगड़े वाले पैड से हमारे पास में तगड़ा वाला व्हीकल है, बट स्टिल अपने को ना बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। मैं ना एक काम कर रहा हूँ, अभी मैं ऑफलाइन 500 मिलियन स्नो कर लूंगा, क्योंकि अभी ना और मेरे को 2 घंटे लग जाएंगे कम से कम 500 मिलियन करने के लिए। तो मैं ना, अभी हमारे पास में 100 मिलियन है, तो 100 मिलियन का हम एक
एग हैच करते देखते तो सही है उसके अंदर मिलेगा क्या, कुछ तगड़ा मिल जाए तो फिर और बढ़िया काम हो जाएगा। गोल्डन मैग्मा की पावर कितनी है जरा बस बता देना मेरे को, अगर तगड़ी होगी तो बहुत। 56 पावर है गोल्डन मैग्मा की। और अब एक बारी में हम कितनी स्नो कलेक्ट कर रहे हैं, वैसे बुलडोजर से भी, ये जो बुलडोजर है इससे भी हम काफी ज्यादा स्पीड से स्नो बटोर रहे थे। मैंने बहुत देर ये वाले बुलडोजर के साथ में भी काम किया, काफी ज्यादा इजी पड़ रहा था इसके साथ में काम करना। इसमें ना एक साथ हम 4 लाइन बटोर सकते हैं बैक टू बैक, मतलब बाजू नंबर देखना तुम खाली बस कितनी ज्यादा स्पीड से। मेरे को तो ऐसा लग रहा है यूएफओ से ज्यादा स्पीड से हम इसके अंदर स्नो बटोर रहे। देख रहे हो कितनी ज्यादा स्पीड से, 5 मिलियन तो हो गए भाई अपने पास में, 5 मिलियन तो बचे थे, हो गए काफी ज्यादा स्पीड से, मतलब स्नो बटोरे जा रही है। अब मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ यूएफओ यूज करूँ या फिर ये यूज करूँ, क्योंकि इससे भी अच्छे खासे स्पीड से हो रहा है। एक काम करते कुछ देर के लिए यही चलाते हैं, 250 मिलियन ही अभी तक नहीं हुए। मैंने सोचा था कि 250 मिलियन करके बाजू वाली दुनिया के अंदर चले जाएंगे और फिर वहां पर भर भर के स्नो बटोरेंगे, बट वैसा कुछ हो नहीं रहा। इतनी देर से मैं बस कलेक्ट किए जा रहा हूँ और वह अब जाकर 100 मिलियन हुई है। तुम बाजू में नंबर से आइडिया लगा ही सकते हो कि कितना ज्यादा टाइम लगा होगा। मैंने कम से कम ना 100 से ज्यादा राउंड यहाँ पर गोल गोल घूम लिया हूँ, मगर कुछ 500 मिलियन हुआ नहीं। तो मेरे को कम से कम ना 450 मिलियन तो ऑफलाइन करने पड़ेंगे, तब जाकर अगले एपिसोड में हम रिबर्थ कर पाएंगे। तो कोई बात नहीं, हमने एक वर्ल्ड तो अनलॉक कर लिया। पांच तगड़े पैट्स हमारे पास में आ गए। 3-4 पैट्स हमने पिछले वाले वर्ल्ड से अनलॉक किए और 2 पैट हमने इस वाले वर्ल्ड का तो 100 मिलियन वाला पैट भी हमने लॉक कर लिया। काफी ज्यादा तगड़ा, सीधा 56 की पावर हो गई भाई उसकी। 6,000, 11,000 अपने को स्नो मिल रही है, काफी ज्यादा। चल तेरे को ओवरटेक कर लिया मैंने, निकल निब्बे। देख रहे हो बस नंबर देखना तुम कितनी ज्यादा स्पीड से हो रहे। ऑफलाइन मेरे को ना बहुत ज्यादा घसना पड़ेगा पहले, उसके बाद में जाकर कुछ होगा। तो एक काम करते हैं, हम आज के एपिसोड को बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच यहां तक देखने के लिए। नए आए हो चैनल पे, एंजॉय किया तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पर मैं ऐसे ही बड़े बड़े गेम प्लेज लाता रहता हूँ। अभी और भी नए नए गेम प्लेज चैनल पर आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम का लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो चेक जरूर करना। ठीक है, मिलता हूँ मैं आप सभी से अगले एपिसोड में। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू।